आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक और नए विषय को हम सीखेंगे और आज का वचन है भजन संहिता 100 और उसकी तीसरी आयत साम 100:3। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके लास्ट लाइन को एक और बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और प्रभु के लोगों के बीच में रिश्ता को दिखाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे परमेश्वर राजा है, हम उसकी प्रजा है, या फिर परमेश्वर पिता है, हम उसके संतान हैं। यीशु मसीह कहता है मैं दाख लता हूँ और तुम डालिया हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल है जो आज हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उसकी चराई की भेड़े हैं। और अगर हम भेड़ हैं तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है। हम वचन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना की सुसमाचार उसका 10वां अध्याय में, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और अगर हमारा परमेश्वर चरवाहा है तो हम उसकी भेड़ है। आज इस विषय पर हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह सच्चा चरवाहा और हम उसकी भेड़। तो चरवाहा किस प्रकार भेड़ के साथ एक रिश्ता रखता है, किस प्रकार भेड़ को चराता है, भेड़ को संभालता है, इन बातों को हम ध्यान देंगे। और साथ में हम भेड़ होने के नाते किस प्रकार हमारे चरवाहे के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, वो भी हम लोग ध्यान देंगे। हमारे ध्यान को यूहन्ना के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 14वीं आयत में हम लेकर आएंगे। इस आयत को यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। देखिए, जब यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ तो यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बातों को बता रहा है। क्या सबसे पहली बात है यहाँ पर? मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। सबसे पहली बात जो हमें सीखना है कि हमारा परमेश्वर हमको जानने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ढूंढने के बाद परमेश्वर को ढूंढ निकाला, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला है, क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है। आपके जीवन की स्ट्रेंथ क्या है, आपके जीवन की कमी कहाँ पर है, आपके जीवन में कहाँ कहाँ आपने हार को सामना किया है, कौन कौन सी जीत को आपने हासिल किया है, आपके एम्बिशंस क्या है, आपके मकसद क्या है, आपके इरादे क्या है, सब कुछ जानने वाला एक परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपसे कहता है मैं आपका चरवाहा हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहो। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा कहता है मैं सही से बात करने नहीं जानता, मैं तुतलाता हूं, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ही चुना, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुझे चुना है कि तू इसराइलियों को बंधुआई से निकाल कर लेकर आए। जब गिदोन कहता है मैं अपना परिवार में सबसे छोटा हूं, परमेश्वर गिदोन से बोलता है मैं जानता हूं लेकिन तुझे चुना है। जब इरमिया कहता है मैं छोटा बालक ही हूँ, परमेश्वर जानता है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना। तो हमारी कमियों के बावजूद, हमारे जितने भी वीकनेस है वो जानते हुए परमेश्वर हमको बुलाता है, हमें चुनता है। हम दूसरी बात देखेंगे इस अच्छा चरवाहा की खासियत क्या है। अब हम आएंगे उसकी तीसरी आयत में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वे अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। ये अच्छा चरवाहा का खासियत यह है, भेड़ों को नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर हम सबका नाम जानता है। देखिए प्रियो, आपका नाम कौन जानता है? जो आपके करीब है, जो आपको अच्छे से पहचानते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल या ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके नाम को पहचानते हैं। अगर हो सकता है कि मुख्यमंत्री मेरा नाम नहीं जानता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मेरा नाम नहीं जानता है, क्योंकि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा नाम जानता है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ। इसलिए एक बात अपने मन में आपको याद रखना है कि कोई आपको आदर दे या ना दे, कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको नाम लेकर बुलाता है। देखिए बाइबल में हम देखते हैं कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। जब जक्कई पेड़ के ऊपर बैठा था,
और ये सोचता था कि मैं नाटा हूँ, मैं पेड़ के ऊपर बैठूंगा, मैं देखूंगा कि यीशु कौन है, कोई मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे आके रुक कर ऊपर देकर कहता है, जक्कई नीचे आ जा। यीशु मसीह को कैसे पता जक्कई का नाम? क्या जक्कई के साथ मुलाकात हुआ है क्या? लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा नाम जानता है। तो आप जहां कहीं रहते हैं, आपको लगता होगा मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको बुलाता है, अभी इसी वक्त भी परमेश्वर आपको बुला रहा है ताकि आप परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में, आप उस रिश्ते में आगे बढ़े, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की इच्छा को जाने और आप आशीषित जीवन को आगे बिताएं। आइए हम तीसरा गुण को देखेंगे, इस अच्छा चरवाहा का तीसरा गुण। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसी आयत में भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को बाहर ले जाता है। देखिए हमारा परमेश्वर हमें भी बाहर ले जाता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए थे, बंधनों में हम पड़े हुए थे जहाँ से कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता था, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमें बाहर ले जाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जरा अपने जीवन को सोचकर देख लीजिए, हम पाप में फंसे हुए थे, श्राप में फंसे हुए थे, अलग अलग बीमारी में, शैतानी शक्ति के अधीन हम होकर रह रहे थे, लेकिन इन सारी बातों को तोड़कर यीशु मसीह ने हमें आज़ादी दिया है और हमें नाम लेकर पुकारा और हमें बाहर लेकर आया। और आज हम आज़ाद लोग हैं, आज हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं है। तो अगर आज भी अगर ये वचन आप सुन रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, इस प्रकार का एक बंधन में मैं फंस चुका हूं, या मेरे जीवन में और कोई संघर्ष है जिसके कारण मैं एक स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रहा हूं, तो आज आपको याद रखना है यीशु मसीह आपको आजाद करता है। जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर फिर कोई बंधन है नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आजाद करता है। चौथी बात को हम सीखेंगे, हम आएंगे उसके चौथी आयत में। जब वो अपने भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है। चरवाहा की खासियत यह है वो भेड़ के आगे आगे चलता है। कौन है जो आगे आगे चलता है? एक लीडर है जो आगे आगे चलता है। तो हमारा यीशु मसीह एक अच्छा अगुआ है। बहुत सारे अगुए हैं जो बोलते हैं अच्छा इस मार्ग में चलो, उस मार्ग में चलो, लेकिन वो लोग स्वयं नहीं चलते हैं। लेकिन हम यीशु के बारे में ये जानते हैं कि यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे पीछे चलना क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। हमें मार्ग के लिए खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस हमें यीशु के पीछे चलना है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह हमें ले चलता है। वो अच्छा चरवाहा है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं बोलेगा वो रास्ते में चलकर आगे निकल जाओ, तुम स्वर्ग पहुंचोगे। नहीं, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचाऊंगा। हम आगे देखेंगे अच्छा चरवाहा का पांचवा गुण क्या है, देख सकते हैं उसके आयत नंबर 9। यहां पर इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या फायदा है या क्या हमें मिलेगा? देखिए, धन दौलत के लिए यीशु के पीछे नहीं चलना है ना, अमीर होने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं है जो यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया है, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब यीशु मसीह हमें उद्धार देने आया। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें अनंत जीवन का दान देता है। तो यहाँ पर लिखा है जो यीशु के द्वारा प्रवेश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वो द्वार है, उनको उद्धार मिलेगा। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को दंड देना, बड़े बड़े क्रियाकर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वचन हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है कि यीशु पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है। तो ये अच्छा चरवाहा हमें क्या देता है? उद्धार देता है। छठवीं बात को हम देखेंगे, उसी आयत में लिखा है, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को चारा देता है। चारा क्या होता है? वो भोजन है।
देखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है, हमारा नाम लेकर हमको बुलाता है, हमको जानता है और हमें उद्धार देता है, तब वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यीशु मसीह आपको अमीर करेगा, उस मकसद के साथ यीशु के पीछे चलना भी नहीं है, वो गलत मकसद है। लेकिन हमारे जीवन में जो बातें ज़रूरी हैं, वो सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए प्रदान कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। पिछले सप्ताह हमने सुना, जब एलिया अकेला था तब परमेश्वर ने कौओं को भेजा ताकि वो एलिया के लिए भोजन लेकर जाए, क्योंकि एलिया को भोजन की ज़रूरत था। हमारा परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। लेकिन वचन में ये लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। ये नहीं लिखा है कि वस्तुओं के पीछे भागो, लेकिन ये लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलो, तब जब भी आपके जीवन में ज़रूरत पड़ेगा, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से आपके जीवन के लिए सब कुछ प्रदान करेगा। देखिए मेरे प्रियो, जहाँ पर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया, जहाँ पर परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया, बड़े बड़े अचंभित काम किए, क्या परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को नहीं जानता है? आज कोई भी परिस्थिति में आप हो, एक बात आप समझ लीजिए, यीशु के पीछे चलना, पवित्र जीवन जीना, संगति करना, वचन पर बढ़ना, यीशु मसीह आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हम आगे देखेंगे उसकी 7वीं बात, एक अच्छा चरवाहे के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। देखिए यहाँ पर चोर के बारे में लिखा है और चरवाहे के बारे में लिखा है। चोर शैतान है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, आपके परिवार को तोड़ने, आपके जीवन को बर्बाद करने, शैतान आता है। लेकिन यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो इसलिए आया ताकि हम सबको बहुतायत में जीवन मिले। सिंपल जीवन नहीं है, लेकिन बहुतायत में जीवन। तो आज अगर आप उदास है, दुखी है, डिप्रेशन में है, आपको ऐसा लगता है सुइसाइड कर लूं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, तो आज आपके लिए एक अच्छा संदेश है, और वो ये है, यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आया तो यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देगा, मतलब आपको जीवन जीने के लिए एक कारण मिल जाएगा। फिर आप कभी नहीं सोचोगे कि मैं अपना जीवन खत्म कर दूं, क्योंकि यीशु मसीह सबको जीवन देता है। आगे हम देखेंगे कि 8वीं पॉइंट, 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना जीवन देता है। कौन है जो एक दूसरे के लिए अपना जीवन दे देगा? हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारे पैसों से मदद करते हैं, या हमारे स्ट्रेंथ जो ताकत है उससे मदद करते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसे हम मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा तुम अपना जान दे दो, तब वहाँ पर हम सोचते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए अपना जान दे दिया। क्यों जान दे दिया? ताकि जब हम विश्वास करें कि यीशु का मृत्यु हमारे पापों के लिए था, कि हम ना मरे लेकिन यीशु हमारे लिए मरे और हमें उद्धार मिले, ताकि हमारे सांसारिक मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में वास करें, तो इससे अच्छा चरवाहा कौन हो सकता है? देखिए मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा अपना जान दे देता है, तो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। हम आगे देखेंगे उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, वो भेड़िए को आते देकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। देखिए, जो सच्चा चरवाहा नहीं है, जब ऐसा एक इंसान के सामने जब भेड़ है और कोई दुश्मन आता है, कोई जंगली जानवर आता है, तो वो उसको छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जब हमारा अच्छा चरवाहा ने अपना जान हमारे लिए दे दिया, इसका मतलब है कि हमारे जीवन के लिए सुरक्षा भी परमेश्वर हमारे लिए प्रोवाइड कर देगा। हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं, दाऊद कहता है मैं एक चरवाहा हूँ, जब जंगली जानवर मेरे भेड़ों को नाश करने आया, तब मैं उस जंगली जानवरों को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? दाऊद तो भाग सकता था, लेकिन दाऊद वो भेड़ों को अपना समझता था, और इसलिए वो जंगली जानवरों को भगा दिया, ख़त्म कर दिया। यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, वो हमसे प्रेम करता है,
वो हमारा ख्याल रखता है और वो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। दाऊद भजन संहिता 23 में क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपको इस आयतों को पढ़ते समय याद रखना है कि परमेश्वर हमारा चरवा है, हमें किसी बात की घटी ना होगी। फिर लिखा है वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। मतलब हमें खाना, हमें आत्मिक बातें, आनंद, शांति, धीरज, सब कुछ से हमें भरने वाला परमेश्वर है। वो मेरे जी में जी लेता ले आता है, देखिए हमें जीने के लिए कारण देता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। चौथी आयत, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हम भेड़ होने के नाते जब हम घोर अंधकार से होकर चलते हैं तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कठिन परिस्थिति से जब हम होकर जाते तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे साथ है और वो चरवाहा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर यहाँ पे लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। देखिए जो आपकी निंदा करता है, जो आपको जो है मजाक करते हैं, जो आपसे कहते हैं तुम बेकार हो, उनके सामने परमेश्वर आपको आदर देता है। फिर यहाँ पर लिखा है तू मेरे सिर पर तेल मला है। देखिए उस समय का चरवाहे जो है अपने भेड़ों के ऊपर तेल डालते थे, उनके सिर पर तेल डालते थे ताकि जब वो तेल बहता था तब कोई भी कीटाणु या कोई भी कीड़ा जो है इन भेड़ों पर हमला नहीं कर पाता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अभिषिक्त लोग बनाया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया है। तेल पवित्र आत्मा के लिए एक सिंबल है। तो हमारे जीवन में जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया है तो हमें याद रखना है कोई भी दुष्ट शक्ति हमको छू नहीं सकता, कोई भी शैतानी शक्ति हम पर हमला नहीं कर सकता, हम प्रभु में सुरक्षित हैं। तो शैतान और शैतानी बातों से बिल्कुल नहीं डरना क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। देखिए उसके लास्ट आयत में क्या लिखा है, इस प्रकार लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब चरवाहे हमारे साथ है, करुणा और भलाई हमारे साथ साथ बनी रहेगी। कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे साथ बनी रहेगी। अब हमने देखा कि हमारा परमेश्वर अच्छा चरवाहा है और हम परमेश्वर की भेड़ हैं, लेकिन भेड़ होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ कुछ बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। हम आएंगे उसकी तीसरी आयत, यूहन्ना 10:3, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसकी शब्द सुनती है। देखिए मेरे प्रियो, हम लोग भेड़ हैं, हमें चरवाहे की शब्द को सुनना चाहिए। कैसे हम सुनेंगे, जब इस वचन को हम पढ़ेंगे, वचन हमसे बात करेगा, हमारी जीवन की कमियों को बताएगा, हमारे जीवन में हिम्मत देगा। तो अगर हम भेड़ हैं, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा फर्ज बनता है हम चरवाहे की आवाज को सुने। दूसरी बात हमें क्या करना है, चौथी आयत में उसके सेकंड लाइन में इस प्रकार लिखा है भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है चरवाहा आगे आगे चलता है, लेकिन चांसेस है कि भेड़ भटक सकती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम चरवाहे के पीछे पीछे चले, हम लोग यहाँ वहाँ भटकने वाले लोग ना बने, लेकिन जो हमें मिला है उसके पीछे पीछे हम चलने वाले बन जाए। और उसके साथ साथ लिखा है क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती हैं। जब चरवाहे आपसे बात करता है आप पहचान लेते हो कि ये परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। बहुत से वक्त हम प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, उसका क्या कारण है? आपने देखा होगा कि जब लोग ईयरफोन डालकर कुछ सुन रहे हैं और सामने से कोई उनसे बात कर रहा है तो उनको आवाज़ सुनाई नहीं देता क्योंकि उनके कानों में ऑलरेडी कुछ आवाज़ है। वैसे ही हम लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाते, नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हमारे कानों में संसार की आवाज़ें भरी पड़ी हैं। संसार के सीरियल, संसार के सॉन्ग, संसार की चिंता, संसार की माया, इन सारी बातों में हम लोग डूब चुके हैं, इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने वाले और पहचानने वाले हम बन जाए। आगे हम देखेंगे भेड़ की क्या खासियत है। पांचवें आयत में वे पराए के पीछे नहीं जाएगी परंतु उसे भागेगी क्योंकि वो पराए की शब्द को नहीं पहचानती है। जब आपने यीशु के शब्द को पहचान लिया तब वे संसार में किसी और बात के पीछे आप नहीं भागोगे, धन के पीछे आप नहीं भागोगे, व्यभिचार के पीछे आप नहीं भागोगे या किसी प्रकार के पाप के
के पीछे आप नहीं भागोगे, क्योंकि आप अपने चरवाहे की आवाज पहचानते हो, आप चरवाहे के पीछे पीछे चलोगे। फिर हम देखेंगे उसकी 14वीं आयत में और उसके लास्ट के कुछ शब्द, मेरी भेड़े मुझे जानती है। परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर ने नाम लेकर हमें अलग किया है, हमें बुलाया है। अब हमारा फर्ज बनता है हम भी परमेश्वर को जाने। आज परमेश्वर आपके लिए कौन है, आप जरा सोचिए, कितनी बातों को आप बोल सकते हैं परमेश्वर आपके लिए कौन है। अगर आप ये जान लिया कि परमेश्वर आपके लिए कौन है, तब आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रियो, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है और हम लोग भेड़ है। तो चरवाहे के गुण भी हमने देखा और भेड़ कैसे रहना है वो भी हमने देखा। एक लास्ट बात बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। हम बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, सारे जानवर जो है अलग अलग खासियत को रखता है, लेकिन भेड़ ऐसा एक प्राणी है जो बहुत सिली है, निर्बुद्धि है, वो ज़्यादा सोच नहीं सकता, कहीं भी भाग सकता है, भटक सकता है, फंस सकता है, वो कहीं जाके जो है कहीं भी प्रॉब्लम में गिर सकता है, और इसलिए उसको चरवाहे की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, हम इंसान भी ऐसे हैं, हमारे लिए बहुत आसान है कि हम विश्वास से फिसल जाए, गिर जाए, अलग अलग बातों में फंस जाए या शैतान के हाथ में फंस जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस चरवाहे के पीछे पीछे ही चले। एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो चरवाहा आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपका नाम लेकर आपको बुलाता है, आपको चारा देगा, आपके जीवन को सुरक्षा देगा, आपके जीवन को अभिषेक करेगा, शैतान से बचाएगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, तो इस चरवाहे के साथ साथ आप चलिएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देगा और आप लोग आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों ने ये संदेश को सुना प्रभु, उन सब के लिए आप अच्छा चरवाहा हैं, इसलिए धन्यवाद। हम भी अच्छे भेड़ बन पाए, आपके पीछे हम चल पाए, आपके वचनों के अनुसार हम चल पाए प्रभु। हम भटकने वाले लोग नहीं, लेकिन प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले लोग बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।